हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज तो मैं आपको कहीं घूमने नहीं लेके जाने वाला हूँ। बेसिकली आज मैंने जो जॉब का वीडियो बनाया था आज से 3 महीने पहले, तो उसमें से पहला कैंडिडेट जो हमारा आशीष करके वो आ रहे, तो मैं और बॉस हम दोनों लेके जाने वाले। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? गुड। तो हम आशीष को लेने जा रहे हैं, तो अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, उसका फ्लाइट 133 को डिपार्च होने वाला है यहाँ पे, और हम लोग टाइम पे ही है। तो आशीष को आज लेने जा रहे हैं। तो ये सफ़र जो जॉब का था बहुत ही अच्छा था, और ये मंथ में 3 लोग आ रहे हैं। अभी 28 को एक जना आ रहा है, फिर एक 30 को आ रहा है, फिर एक 10 को आ रहा है, एक 5 को आ रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं अभी कंटिन्यू। सबका वीज़ा लगना चालू हो गया और लोग फ्लाई करना भी चालू हो गया। तो मैं सबके वीडियो तो एक साथ नहीं बनाऊँगा बेसिकली, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि मैं 4 से 5 लोगों का वीडियो बना के इसमें ही आपको बता दूंगा। तो दिस इज़ प्रूफ दैट हम लोगों ने हायर किया था और लोग आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो कमिटमेंट दिया था कि हम जॉब देते हैं, तो हम जॉब देते हैं। और लोगों को आप अभी आशीष आएगा तब आप देखना, हम उसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ। और बहुत लोग को ये वीडियो से बहुत दिक्कत हुआ था, लोगों को लगा कि मैं फ्रॉड हूँ, क्या पता क्या क्या बोले थे। आप कमेंट सेशन में जाके चेक कर सकते हो। तो बहुत ही मज़ा आया ये एडवेंचर में, और फाइनली हमने जो बोला था हमने दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं आशीष को लेने। अभी जस्ट एयरपोर्ट पहुंचा और आशीष का कॉल आया था मुझे कि वो इमिग्रेशन क्लियर करने वाला है। बट उसके पहले यहाँ पे मेरे बॉस को कॉल आया था कि आपका बंदा है, ये सच में आपका बंदा है और ये आपकी कंपनी में काम करने के लिए आया, सच है कि नहीं? तो हमने बोला यस। फिर उसका आशीष का कॉल आया मुझे कि मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। तो जब भी कोई बंदा एयरपोर्ट पहुँचता है तो पहले हमारे बॉस को कॉल आता है, अगर वो हाँ बोलेंगे तो ही आपको अलाउ करेंगे एयरपोर्ट के बाहर, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से। तो ये ऑथोराइज होता है। तो बहुत लोग होते हैं कि बिना बताए यू नो आ जाते, हमें इन्फॉर्म नहीं करते, तो हमें पता चल जाता है कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योर रहना पड़ता है। आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, पर वैसा नहीं होता है। तो आशीष आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर 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 वेलकम टू क्रोशिया। कैसा है? बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं आया? ये कटी हो गया ना। हाँ, टूट गए। ओहो, चलो चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये है आशीष दरावत जो आशीष दरवंदर। तो ये है आशीष दरवंदर जो पहले सबसे पहले यहाँ पे आए, और ये भी YouTube से मिले थे। तो भाई मुझे ये पूछना है कि तुमने ट्रस्ट कैसे किया पहले मेरे पे? भाई सब वीडियोस चेक किया, सब जेन्युइन था। मैंने बहुत मतलब सब मैंने यूट्यूब से देखा, उतना नहीं था। आपको इतना अच्छा लगा तो आपको मैंने मैसेज कर दिया, तो आपने रिप्लाई भी जल्दी दे दिया। तो हो गया वो। तो आज है डेट 28, और जैसे मैंने आपको बताया था आज शुभम को लेने में आया हूँ। थोड़ा लेट हो गया, उसको आधा घंटा थोड़ा वेट करना पड़ा, बिकॉज गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गया था, तो हम लोग रिपेयर करा रहे थे। तो शुभम की मैं बता दूँ, शुभम जब मैं क्रोशिया कदम रखा था, और जिस दिन मैंने क्रोशिया में जब एंटर किया था, तब से शुभम मेरे से कनेक्टेड है। तब तो मेरे पास जॉब भी नहीं था, वो टाइम से शुभम ने मुझसे बात किया था कि भाई कुछ देखो मेरे लिए जॉब के लिए। और तो सबसे पहला जो बंदा था मेरे से यूट्यूब से कनेक्ट हुआ था जब मैं क्रोशिया था, वो ये बंदा था शुभम। तो सेम अगेन सबके लिए सेम रूल था, जैसे ही आया तो पहले मैंने शुभम को बोला कि ऐसा ऐसा जॉब है, तुम इंटरेस्ट होगे तो मुझे बताना। मेरा कि हाँ भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ठीक है। तो आज हम शुभम से ऑलमोस्ट ये तो मतलब 5 महीने से कनेक्टेड है मेरे से, तो 5 महीने बाद पहली बार मैं शुभम से मिलूँगा और उससे भी पूछूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका हमारे साथ। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं शुभम को लेना आऊँगा, तो ये शुभम है। शुभम मेरे से जैसे मैंने आपको बनाया कि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तब से कनेक्टेड है, तब तो जॉब का बात भी नहीं होता मेरा शुभम के साथ। तो शुभम कैसा एक्सपीरियंस रहा है बताओ? ऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे से काम हुआ सारा कुछ, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं रही, सब कुछ क्लियर था, सब कुछ साफ था, जो भी था बात जो भी था हर एक चीज़ क्लियर में थी हम कि ऐसा करेंगे ऐसा पेमेंट करेंगे, सब कुछ क्लियर था। जॉब क्या है सब कुछ उसको बता दिया गया था, वो एग्री था, तब हमने बोला ठीक है हम प्रोसेस करेंगे। और बाकी जो भी आने जाने का था कि कैसे आ सकते हैं कुछ भी था, तो हमने सब बताया था और उसने वैसे ही प्रॉपर फॉलो किया, परफेक्टली पहुँच गया। तो फिर ये सब आज 2 दिन रेस्ट करेंगे और फिर काम चालू करेंगे। तो अब भी मैं आऊँगा वापस 7 को और 8 को, और 4-5 लोग आ रहे, तो फिर वापस मुलाकात करेंगे हम लोग। तो गाइस आज मैं आज तीसरे बंदे को लेने आया था, ये है गुलाम।
जो बेसिकली बांग्लादेश से बट कतार में थे और कतार से हमने इनका वीज़ा लगा। तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा है, बहुत मज़ा आया। टाइम बराबर हो गया, कोई डिले नहीं हो गया। तो जैसे हमने पता चलो जाते, तो जैसे मैंने बोला गाइस अभी कल भी एक बंदा कल आने वाला है और 4 दिन के बाद 5-6 बंदे और आने वाले, बट मैं रहूँगा नहीं क्योंकि मैं जा रहा हूँ सर्बिया कुछ काम से। तो जैसे ही मैं वापस सर्बिया से आ जाऊँगा उसके बाद फिर साथ में सबके वीडियो बना के मैं आपको बताऊँगा। सो हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि और एक कैंडिडेट आने वाला था, तो ये है प्रवीण जी। इनको मैं एयरपोर्ट तो लेने नहीं गया था, बट ये प्रवीण जी और गुलाम आप दोनों TRC अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि प्रवीण भाई आप कुछ बोल सकते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ? एकदम बहुत बढ़िया था। कभी भी मेरे को कुछ भी डाउट रहा तो मैं दीपक से फेसबुक पे मैसेज भेजता था, तो इमीडिएटली उनका रिप्लाई आ जाता मेरे को, जो भी क्वेरीज था वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट करते थे वो। तो ये है प्रवीण जी जो गोवा से है, और आप गुलाम जी से मिल चुके हो ऑलरेडी। ये कतार से, एक्चुअली बांग्लादेश से पर एक कतार से है। तो ये दोनों आज TRC अप्लाई करने जा रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो इनसे भी पूछ लेते इनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो जॉर्जिस से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो भाई बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद जो भी मेरा प्रोसेस शुरू हुआ, जैसा वर्क परमिट, फिर एक 2 महीने के अंदर वर्क परमिट आ गया। उसके बाद फिर VSF के लिए इन्होंने मेरा सबमिशन किया, सबमिशन वगैरह में जो हेल्प किया। उसके बाद अभी 45 डेज, कितने दिन में वीजा आपका? मेरा वीजा आया 30 दिन में आया था। इनका 30 डे में आ गया, 30 में आया था। तो बाकी एयरपोर्ट पे हमारा बंदा आपको लेना आया था, बंदा आया था, हमारा बंदा आया था, सब अच्छा है। अभी इन्होंने TRC के लिए अप्लाई कर दिया है, इनका व्हाइट कार्ड कल आ जाएगा, उसके बाद ये बैंक अकाउंट खोलेंगे और फिर काम चालू कर देंगे। इनके बाद हमारे आते हैं सबसे फेवरेट अन्ना। तो अन्ना को मैं बोलता था आप ऐसा मुझे ऐसा क्यों बोलते हो, आपका इतना बड़ा नाम शॉर्ट में हम लोग को अच्छा रहता है, रेड्डी बेस्ट है। तो बताइए रेड्डी भाई आपका एक्सपीरियंस। मेरा नाम चंद्रशेखर रेड्डी, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अप्रैल में मैं भाई को यूट्यूब में वीडियो देख के कॉन्टैक्ट किया था थ्रू इंस्टाग्राम, बाद में भाई नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। 2 राउंड इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, बाद में WP के लिए अप्लाई किया था भाई। जून एंडिंग में मुझे WP मिला था, मैं जुलाई में अप्लाई कर दिया VFS में। सो 40 दिन लगा वीसा आने के लिए, थोड़ा लेट हो गया लेकिन आ गया। सो दिस मंथ 17th मैं इंडिया से शुरू होकर इधर आ गया। एयरपोर्ट को पिकअप करने के लिए भाई किसको भिजाया, वो लोग आके एक रूम में, रूम तो अच्छा बढ़िया है, मेरे अपार्टमेंट में रुके थे क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे। और अन्ना ने हमारे लिए स्वीट लेके आए थे और गुलाब जामुन भी लेके आए थे और रोटी बनाने के लिए जो उनको बोला था वो भी लेके आए थे। सो एवरीथिंग इज ओके, इफ एनीवन इंटरेस्ट टू अप्लाई, दिस इज द राइट टाइम टू कम क्रोशिया एंड ही इज द राइट पर्सन। और एक जन है निखिल जी, निखिल है नागपुर से, बहुत यंग है, 25-26 साल की है। तो निखिल भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं निखिल अमृता लग्नोत्री हूँ, नागपुर से हूँ। भाई ने मुझे मार्च एंड में हमने इंटरव्यू की थी हमने, फिर 2 फेज के इंटरव्यूज हुए थे। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद वर्क मोमेंट हुआ था, अप्रैल 17 को VFS पे सबमिशन हो गया था और अराउंड 35 डेज पे फिर मेरा वीजा आ गया था। वीजा आते ही अराउंड 7-8 डेज पे मैंने फ्लाइट पकड़ ली, 17th की मैंने फ्लाइट पकड़ ली और 17th शाम तक के मैं यहाँ पे पहुंच गया था। ईजिली बंदा मुझे पिकअप किया, यहाँ ड्रॉप किया, इतने अच्छे रूम में ड्रॉप किया। अभी दिखाएगा भाई हमको हमारा रूम भी दिखाएगा। मैं आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, ये छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे ये सोफा है, इसको बड़ा कर देते, फिर इनका डाइनिंग रूम है, फिर वो किचन है, बाथरूम है। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट डिपेंड्स होता है कि जैसे कि मेरा अपार्टमेंट में हम लोग 5 जन रहते क्योंकि 2 BHK और एक वो 1 BHK, उसमें 4 से 5 लोग रहते। तो डिपेंड होता है कि क्या साइज है और कैसे लोग मैनेज कर सके। सिटी सेंटर ये इनको अपार्टमेंट जो भी दिया है सेंटर में दिया, आई थिंक 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। मैं खुद आया, मेरा अपार्टमेंट 7-8 किलोमीटर और भी है। डिपेंड्स होता है कि किसी को क्या मिलता है। तो ऐसा सिलेक्टेड नहीं होता कि मुझे पर्सनल रूम मिलेगा, देखो ये पर्सनल ही, तीनों शेयर कर रहे हैं तो शेयरिंग ही होता है। अगर पर्सनल करना है तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आपको पर्सनल भी मिलेगा। तो हर कुछ आपकी मेहनत और आपकी चॉइस पे होता है। तो आप लोगों ने देखा इतने सारे लोग आ चुके हैं ऑलरेडी और ऑलमोस्ट सबका वीज़ा लग चुका है, सबका वीज़ा लग चुका है। कल से मैंने सबसे बात की थी, उसमें से शाहिदुल्ला है जो कतार से,
उसका वीज़ा ना पाके और 99% सबके वीज़े लग चुके हैं, तो इतने लोग हैं जो आ चुके हैं। कुछ लोग कैमरे से पता नहीं क्यों डरते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो कुछ लोग वीडियो में आना नहीं चाहते, कुछ लोग फ़ोटो नहीं देना चाहते, सबके अलग अलग रीज़न है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, जिनको दिल से देना हो वही बाइट देता है, मैं सबको नहीं बोलता बाइट देने को। तो इतने लोग थे, ये सेफली आ चुके हैं और सब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, और भी लोग अगले महीने की 10 तारीख को आने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे हमने कमिटमेंट दिया था सबको जो पूरा किया हमने, और भी वैकेंसीज आई है मेरे पास, और भी वैकेंसीज आई है मेरे पास, और जिनको इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकता है। गाइस, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुछ नहीं होता, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। यहाँ पर पानी भी कोई फ्री में नहीं पिलाता है, तो आप ऐसा मत सोचो कि जो भी आप पैसे दे रहे हो सब मेरे पास जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कंपनी चार्जेस है, वो लोग लेते हैं। जो भी बंदे थे सबको पता है कि मैं अपनी जेब में कितना रखता हूँ, सामने कितना, तो सबको पता है कितना क्या है। तो आपको लगता है कि आपको मेरे पे भरोसा है तो आप आ सकते हैं। देखो, मेरी कोई कंपनी नहीं है, ना मेरा कोई एजेंसी है कोई भी इंडिया में, पाकिस्तान कहीं नहीं है। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि आपका ऑफिस, मेरा कोई कहीं ऑफिस नहीं है, मैं यहीं से काम करता हूँ। आपको ट्रस्ट हो तो आप काम कर सकते हो, आपके ट्रस्ट ना हो तो आप किसी और से काम कर सकते हो। हम किसी को फोर्सफुली नहीं करते, हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर ही काम करते हैं। तो गाइस, ये था प्रूफ जैसे मैंने बताया। अब मेरा सेकेंड बैच और थर्ड बैच, सेकेंड बैच मेरा अगेन डिलीवरी बॉय का है, एंड थर्ड बैच मेरा टैक्सी ड्राइवर का है, जो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब फोर्थ बैच का मैं ओपनिंग चालू किया है हमने डिलीवरी बॉय का, जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आ सकता है। सेकेंड और थर्ड बैच का वर्क परमिट अप्लाई किया है, कम से कम 20-30 दिन जाएंगे। जब आएगा वर्क परमिट तो ऑब्वियसली उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और सबको बताऊंगा कि देखो इनकी वर्क परमिट आ चुकी है। तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट हो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। तो चलो, मिलते हो बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप घर पर रहना, सेफ रहना, और दुआ में याद रखना।